नमस्ते सम्राट चौहान और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सत्यजीत अतवारा मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्ता के संग्राम में। तो शान खान जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस आगे जा रही है, इंडिया अलायंस आगे दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए गौरी जी, हमने जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा था जी। और निश्चित रूप से इस चुनाव में रुझानों में हमें लाभ होता दिख रहा है, पर हमें विश्वास है कि जैसे जैसे रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस कुशासन करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, घोटालेबाज और गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार की विदाई हो जाएगी। ठीक है, दिवाकर जी को ले लेते। दिवाकर जी, भाजपा के लिए मुसीबतें दिख रही हैं। जी दिवाकर जी, दिवाकर जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। दिवाकर जी आपका माइक म्यूट है। जी दिवाकर जी, दिवाकर जी के पास भी पहुंचेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, सत्यजीत अतवारा जी। सत्यजीत जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी, जी उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन खरा नहीं उतरा है। उसको उम्मीदें थी कि 400 के पार जाएंगे, लेकिन 400 पार तो दूर की बात हुई, 295 पे 92 पे टिके। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कारण क्या है कि अभी भी विपक्ष में वो दम नहीं है कि वो अपने उस टारगेट लाइन को पूरा कर सके। प्रदर्शन विपक्ष ने बहुत अच्छा किया है। जनता, हमें लगता है कि 10 साल के तमाम कृत्यों से, तमाम इनके क्रियान्वयन से जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाई, तो उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को या और भी तमाम कमियां रही होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश को आप ले लें, तो उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना है कि पुराने जितने भी 10 साल से, मतलब दो मरतबा जो लोकसभा का चुनाव जीते थे, जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध था जो है, उन लोगों के खिलाफ जो लोकसभा का चुनाव दो बार जीत कर आए थे, तो उनको फिर से टिकट दे देना भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमें लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, कि वो सही नहीं रहा है। जैसे उन्नाव में साक्षी महाराज को देख लीजिए, 1000 या 1500 के वोटों से ऊपर नीचे हो रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कहा जाए तो, या ऊपर नीचे कह सकते हैं। साक्षी महाराज के खिलाफ भी तमाम जनता जो है वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि इनको हटाया जाए, दूसरे किसी प्रत्याशी को लाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने चूक किया है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ये था कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी जो भी थे उनको नए देने चाहिए थे, और 3-4 चीजें और थी। जैसे इनको ये नहीं पता चला, संविधान बचाओ आंदोलन पूरी तरीके से इनका सफल रहा, संविधान बचाओ आंदोलन में। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की सारण सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं, अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती से आगे निकले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद। तो ये बड़ी खबर हमारे सामने आई अभी बीच इन्हीं रुझानों के, कि किस तरीके से बिहार की सारण सीट से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है। जी सत्यजीत जी, सत्यजीत जी एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार, यहाँ की अगर सीटें निकलती दिखती, अगर भाजपा की ज्यादा दिखती, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते थे कि हाँ, ये शुरुआती रुझानों में अगर भाजपा यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो आगे वो सीट ला सकती है, जिस 400 पार के आंकड़ों को लेकर वो चल रही थी। लेकिन यूपी में भाजपा का हाल बहुत बुरा दिख रहा है सत्यजीत जी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं रही है, आपका म्यूट है माइक। म्यूट है क्या? अब आई जी, बताइए। हाँ, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए यही दुख की बात है कि सबसे ज्यादा सीटें देश के अंदर रखने वाले उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पर जो इनको परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी चूक है। भारतीय जनता पार्टी सचेत नहीं थी, सावधान नहीं थी, सतर्क नहीं थी, उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो है समीकरण बदल रही है। लोग जो है उत्तर प्रदेश, देखिए अभी क्या था ना, उत्तर प्रदेश में जहां तक देखा जाए, मैं तो पूरे देश की बात अगर करूं, तो देश में
बिजनेस व्यापार या फिर नौकरियों को लेकर के लोगों के मन में चिंता थी, डर था, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया तो जनता उसकी तरफ आकर्षित थी और जनता की समझ में बात आई कि कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार प्रभावित हुआ है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ, मैं एक विश्लेषक होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि जो पैसा था उसका विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है, मतलब जो व्यापार बिजनेस था उसमें केंद्रीकृत हो गया पैसा। गुजरात की बड़ी कंपनियां आई, उन कंपनियों ने पूरे उत्तर प्रदेश या देश के अंदर अपना कब्जा किया और पूरे देश के अंदर जो है किसी भी तरीके से आम जनता उससे प्रभावित हुई। ठेके पट्टे को लेकर के भी जो है बड़ी कंपनियां आई, उन लोगों ने पूरे के पूरे उस पर कब्जा कर लिया और उत्तर प्रदेश या देश की जनता केवल मुंह देखती रह गई। छोटे ठेकेदार समाप्त हो गए, छोटे कारोबारी समाप्त हो गए, ये सब दिक्कतें जनता के सामने थी। और चूंकि ये सब दिक्कतें जनता के सामने थी तो इसका परिणाम ये निकला जो है कि जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना है। देखिए राष्ट्र के मामले में या फिर देखा जाए तो देश की सीमाओं के मामले में कि देश की सीमाएं अतिरिक्त सुरक्षित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी के द्वारा जो काम किए गए, क्रियान्वयन हुए, उस ऊपरी स्तर पर अच्छे हुए, विदेश नीति हमारी अच्छी हुई, तमाम चीजें अच्छी हुई, जनधन खातों के जरिए लोगों के खाते खोले गए और तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका भारतीय जनता पार्टी ने सही से जो है काम किया है। लेकिन मूल समस्या क्या थी कि रोजी रोटी की समस्या लोगों के सामने मुंह बाके खड़ी थी। तो उस रोजी रोटी की समस्या से कैसे निपटारा करे, तो उससे कहीं ना कहीं जनता पीड़ित थी, त्रस्त थी और उसका परिणाम यह आया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वोट पोल किया। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, इस बार क्या हुआ, नेक टू नेक लड़ाई थी, इसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग त्रस्त थे, उनकी नीतियों को नहीं पसंद कर रहे थे, उनके विचारों को नहीं पसंद कर रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे जो है उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो नदारद थी, कहीं गायब थी, पता ही नहीं चल रहा था कि लड़ाई में है कि, तो लोगों के सामने ऑप्शन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ गठबंधन नजर आया और उन्होंने गठबंधन को वोट देने का काम किया। यदि कहीं त्रिकोणीय संघर्ष होता या बसपा भी अच्छे से लड़ रही होती तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। और एक चीज मैं बताऊं कि जहां तक संविधान बचाओ की बात थी, इस नारे का प्रभाव जनता के बीच में पड़ा, विशेष करके एससी बीसी पर पड़ा। बैकवर्ड तो साथ था भारतीय जनता पार्टी की, अगर बैकवर्ड साथ ना होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी भी सीटें ना मिलती, क्योंकि केवल अपर कास्ट के जरिए इतनी सीटें हासिल करना भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड ने साथ दिया है, लेकिन जिस हद तक 2019 में और 2014 में बैकवर्ड ने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, उतना जो है साथ इस बार 2024 में बैकवर्डों ने नहीं दिया या एससी ने दिया। सवर्ण में भी विभाजन की रेखा खींची गई, सवर्ण में भी कहीं कहीं देखा यह गया कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कटा था। अमेठी में ले अमेठी में किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, ब्राह्मण वर्ग किशोरीलाल शर्मा के पास गया जो है, उसने अपनी जात बिरादरी को चुना, पंडित किशोरीलाल शर्मा कह दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज जो है स्मृति ईरानी पीछे चल रही वहां पे। तो मेरे कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि लोगों ने जातियों के आधार पर भी वोट पोल किया। देखिए 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में अंतर यह था कि पहले क्या था, 19 में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था और काउंटर भारत सरकार ने काउंटर अटैक किया था उसके ऊपर, उस पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नगण्य रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान नहीं गया लोगों का, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया, रोजी रोजगार को उठाया, व्यापार को उठाया और इसके साथ साथ व्यापार के साथ साथ जो सबसे अहम मुद्दा ये था कि जातिगत जो है वोटिंग इस बार बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने अपने अपनी जाति के अनुसार। और समाजवादी पार्टी ने, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, समाजवादी पार्टी ने जातियों के आधार पर वोट जो टिकट दिया है उसका भी परिणाम समाजवादी पार्टी को मिला है, मेरा अपना मानना है। ठीक है, दिवाकर जी के पास मैं वापस आना चाहूंगी। दिवाकर जी, इस वक्त राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में तो भाजपा ने कह दिया था कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को दोबारा से लाकर गलती कर दी है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी दिवाकर जी, दिवाकर जी आपका माइक म्यूट है। जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है दिवाकर जी। ठीक है, दिवाकर जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, हम वापस शान जी के पास पहुंचेंगे। शान जी, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं वायनाड रायबरेली से, कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेस ने सोचा था, जो इंडिया अलायंस ने सोचा था, वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। गौरी जी, हम पहले से आश्वस्त थे
क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, हमने अपना घोषणा पत्र दिया था, और उसके तुलना में यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा समेत मोदी जी भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वाराणसी से पीएम मोदी, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे, यूपी में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है, फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति पिछड़ी। बड़ी खबर अभी हमने आपको दी, वाराणसी से पीएम मोदी, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, यूपी में कांग्रेस 8 सीटों से आगे चल रही है। जी शांत जी। हाँ जी गौरी जी, मैं कह रहा था कि हमने शुरुआत से आगे है, हमने शुरुआत से ही मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने जनता का घोषणा पत्र दिया, हमने जनता को बताया कि हम जनता को क्या देने वाले हैं। उसकी तुलना में भाजपा ने क्या किया, कभी मीट, कभी मछली, कभी मुगल, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी भैंस खोल लेंगे, यहाँ तक कि मुजरे तक आ गए और गांधी जी तक का अपमान मोदी जी ने कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही थी कि मुद्दों पे चुनाव कौन लड़ रहा है। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, आज आप रुझानों में देख सकती हैं कि क्या दशा है इनकी, और रुझान जैसे जैसे परिवर्तन में परिणाम में परिवर्तित होंगे, निश्चित रूप से सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनने वाली है। और अमेठी सीट जिसको लेकर भाजपा ने इतने बड़े बड़े ढोल पीटे थे, वहां से स्मृति ईरानी की नौटंकी को हमारे किशोरी लाल शर्मा जी बंद कर रहे हैं, और अब तक के रुझानों में 40,000 वोटों से किशोरी लाल शर्मा जी पछाड़ रहे हैं स्मृति ईरानी को। जी ठीक है, दिवाकर जी से जवाब ले लेते हैं। दिवाकर जी, आवाज गई? जी दिवाकर जी, जी अब आवाज आ रही है आपकी, पीछे चल रही है भाजपा। जी जी जी, मुझे ये कहना है कि चुनाव परिणाम आज के दिन में जो आ रहा है, अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है, पांचवा या सातवां राउंड चल रहा है, ठीक है, रुझान जो आ रहा है इसको हम लोग तो मान नहीं रहे हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों पे भी चुनाव होता है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया जनता के हित में लिया, जनता जैसा भी निर्णय देगी उसको सिरोधार्य करना है। और जहां तक रह गई बात आगे पीछे की, तो अभी 30 राउंड तक गिनती होने में 5-7 राउंड ही हमारे समझ से, सातवां राउंड या आठवां राउंड के परिणाम आए हुए हैं। कई सीटों पर आगे पीछे होता है, कहीं जात समूह, कहीं कोई भी कोई समूह रहता है, कोई बात होती है तो वहां आगे पीछे होते हैं। जैसे आपने एक जगह तो ऐसा दिखा दिया कि वाराणसी का ही ले लीजिए, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक हम लोग आशावादी हैं और आशा में जीते हैं। निश्चित ही जो हमारे बड़े नेता जो कमिटमेंट किए हैं, जनता उस पर खरी उतरेगी और प्रदेश में और देश में सरकार हमारी बनी रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो आंकड़ा है आपको लोगों द्वारा दिखाया गया था, एग्जिट पोल दिखाया गया था, सारे एग्जिट पोल ही जो दिखाए, एग्जिट पोल जैसे होता है वैसे हम लोगों का भी आकलन होता है, इसी माध्यम से जनता का निर्णय सिरोधार्य है। और जहां तक बात रह गई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जितना जितनी संभावना थी, हम 62 सीट के करीब निश्चित पहुंचने की हम लोगों की जो थी, 62 सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डालेगी और जनता निर्णय देगी। अभी गणना होने दीजिए, गणना हो जाएगी तब अंतिम निर्णय जो होगा उसे सिरोधार्य होगा। और देश की बात है, प्रदेश की बात है, जो भी निर्णय होगा वो सारे लोग सिरोधार्य करेंगे। आकलन कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। सरकार तो बनने जा रही है, सरकार में कहीं डाउट नहीं है, सरकार तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी और सरकार बनने जा रही है। दिवाकर जी, यूपी में 80 सीटों की बात करी थी, यूपी का हाल बहुत खराब दिख रहा है। देखिए हालत खराब है, मैं वही कहा कि गणना होने दीजिए पूरी, हालत खराब नहीं कहा जाएगा इसको। मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते तब तक किसी तरह का आकलन नहीं करना चाहिए। जैसे आपका एग्जिट पोल था वैसा हमारा समीकरण था, कुछ सीटें अप डाउन तो होती है, 10-5 होंगी, उसका निर्णय जनता लेती है, जनता सिरोधार्य है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है, जो भी होगा सामने होगा, जो आएगा परिणाम देखा जाएगा, जनता का निर्णय सिरोधार्य होगा। अगर कम आएंगी तो उसके पार्टी मंथन करेगी, जो भी कमियां निकल के आएंगी उसको दूर करेगी, यही किया जा सकता है, यही किया जाएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में, देश के नाम पे और राष्ट्र के नाम पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिस तरह के लोग नारा दिए, जिस तरह की बातें किए, जिस तरह से संविधान की बातें किए, जनता ने इनको नकार दिया है। राष्ट्र में, देश में सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, और प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा सीटें, 80 में 60 सीटें जो हमारी 62 सीटें थी, उतना टारगेट पूरा करने जा रही है। ये टारगेट बदल गया 80 से?
पहले आप 80 पे कंफर्म थे। अभी मैं कह रहा जो 80 सीटें का टारगेट था, जो हम पाए थे 62 सीटें, उतना हम पाने जा रहे हैं, इतना आप श्योर रहिए कि 62 सीटें हमारी आएंगी आएंगी। जी गौरी ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी साहब भी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। जी तकी जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, पंजाब में भाजपा पीछे दिख रही है, क्या इसे देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां बड़ा दांव खेला था वो सारे स्टेट में बीजेपी की बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी हालत है और इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी से आगे निकल चुका है। अभी तक जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि हमारी जो बढ़त है हमने बीजेपी से आगे बढ़त बना ली है। और पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, वहां पर कांग्रेस भी सीट जीत रही, सीपीआई भी जीत रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के अगेंस्ट में महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन ने के घटक दलों ने अच्छा काम किया है। तो जहां जहां बीजेपी दांव खेल रही थी, राजस्थान में भी देखिए इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है, जहां जहां बीजेपी दांव खेल रही थी वहां सब जगह उल्टा पड़ गया है। और इसकी वही वजह है कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों से, जनता के मुद्दों से दूर रही और वो जनता को धर्म में उलझाए रही, लेकिन जनता का घर चलाना मुश्किल हो रहा था, जनता की आमदनी लगातार गिर रही थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, उस मुद्दों को बीजेपी नहीं टच कर पाई। बीजेपी ने सिर्फ जो है कुछ अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के काम किया, उनको अमीर किया और देश के संविधान बदलने की उन्होंने बार बार बात करी। इससे जो है जो लोग जो है जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ी जातियां थी, वो सब नाराज हो गए। बहुत सारे लोग एक इनसिक्योरिटी के सेंस था बीजेपी के राज में कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो दलित हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो पिछड़ी जाति सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, एक अस्वस्थता का भाव जनता के अंदर था। इसकी वजह से बीजेपी को जो है एक जनता ने हराया है। ये जनता बनाम बीजेपी का चुनाव था, ये जनता बनाम मोदी था और मोदी जी को इसमें जनता ने हराया, हरा रही है। आप देखिएगा अभी परिणाम आएंगे, आते आते बीजेपी जो है 200 से नीचे आ जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है 272 से ऊपर 300 सीट तक आराम से पहुंच जाएगा। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आपका तेजस्वी यादव, आरजेडी, ये सब पार्टियां जो है अच्छा निकलेगी। और देखिए बीजेपी अपना 200 अपने दम पे 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, उससे भी बहुत नीचे जाएगी। और जब ऐसा होगा तो बहुत से दल जो आज बीजेपी के साथ हैं ईडी सीबीआई की डर की वजह से और जिनको दबा के रखा गया, वो सब अपना पाला बदल के इंडिया के साथ आ सकते हैं। इसलिए बीजेपी की हालत सब बहुत दयनीय है, बहुत पतली हालत है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, दिल्ली में आपके हाल खराब दिख रहे हैं, कहीं आपको नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी का ये भ्रष्टाचार, फिर स्वाति मालीवाल का केस कहीं ना कहीं आप लोगों के रुझानों पर असर कर गया? देखिए दिल्ली में अभी भी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो एक सीट पे चांदनी चौक पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और दूसरी सीटों पे जहां पे भी बीजेपी आगे चल रही है वहां मार्जिन बहुत कम है। 500 वोट का 1200 वोट का 1500 वोट का ऐसा मार्जिन है जो आने वाले टाइम में रिकवर हो सकता है, वहां पे कोई बड़ी बड़ी बढ़त नहीं बनाई गई है। और दूसरी बात मथुरा में जैसे आपका हेमा मालिनी बहुत पीछे निकल गई है, वो जीतेगी नहीं, स्मृति ईरानी बहुत पीछे है वो जीतेगी नहीं, तो बीजेपी को बहुत बड़े बड़े डेंट। अभी देखे तक तो मोदी जी भी पीछे चल रहे थे लेकिन 6,000 वोटों से 12,000 वोटों से जो इतना बड़ा दाव कर रहे थे, उनको तो पहले चरण से उनको आगे निकलना चाहिए था लेकिन अभी वो 11:30 बजे पीछे थे, अब ऊपर ना निकले हैं। तो बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है उत्तर प्रदेश में, आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और साउथ में। बीजेपी साउथ के चक्कर में बीजेपी के हाथ से नॉर्थ भी निकल गया। लगने वाला है झटका जिस तरीके से रुझान दिल्ली के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिल्ली में आम आदमी शुरुआती रुझान है, आम आदमी पार्टी एक सीट पे आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, लेकिन कुछ सीटों पे पीछे है, उसमें बहुत कम मार्जिन है वोटों का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। और दूसरी बात पंजाब में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, पंजाब में हम 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर, तो वहां पे बीजेपी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। तो अन्य जो लोग हैं, अन्य दल जो हैं, वो बीजेपी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही पंजाब में, जो हमने अकाली दल के साथ नहीं था। तो ओवरऑल देखिए हर जगह जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी, ये सारी पार्टियां जीत रही हैं और साउथ में भी जीत रही है, केरल में भी जीत रही है, लेकिन बीजेपी का इस वक्त जहां उन्होंने बड़ा दांव खेला था वो दांव बीजेपी के उल्टे पड़ गए हैं कि बीजेपी ने जन विरोधी काम किया, जनता के विरुद्ध काम किया, महंगाई लगातार बढ़ाई है। अब बताइए महंगाई बढ़ने से कौन वोट देगा? जो जनता हमारी जो है इतनी गरीब है, लगातार गरीब होती जा रही है, जो अपना राशन नहीं खरीद पा रही है, वो कैसे महंगाई को एक्सेप्ट करेगी, कैसे वो बेरोजगारी को एक्सेप्ट करेगी, कैसे वो नौकरियां नहीं मिलनी उसको एक्सेप्ट करेगी? तो बीजेपी ने सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया है, अब बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बांधने का समय आ गया है। अभी देखिएगा शाम तक परिणाम 4 बजे तक आ जाएंगे, 5-6 बजे तक, और थोड़ा चुनाव लेट भी चलेगा। और अब 2-3 दिन में आपको देखिएगा कि लोग जो है जो बीजेपी के साथ थे ईडी सीबीआई की डर की वजह से, वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे
और बहुत बड़ा बड़ी खबर इस वक्त हमारे भी सामने आ रही है। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर से शुरू से ही पिछड़े, सपा को 11,000 की बढ़त मिल रही है। ठीक है, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ दोबारा से सत्यजीत अतवारा जी के पास आना चाहूंगी। सत्यजीत जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो अखिलेश यादव ने बात कही थी 79 सीटों की, क्या लग रहा है आपको? देखिए गौरी जी, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अच्छा लग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह भी माना जाए कि समाजवादी पार्टी का को जो लाभ मिला है वो कांग्रेस का वोट प्रतिशत भले ही उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ी होती तो शायद जो है अखिलेश यादव को इतनी सफलता न मिलती, समाजवादी पार्टी को इतनी सफलता न मिलती। तो राहुल के आने से, कांग्रेस के आने से मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो गया और कहीं विभाजन नहीं हुआ मुसलमानों का। और इसके साथ साथ यादव मुस्लिम MY फैक्टर और अन्य जातियों पे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो थे, जिन्होंने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पोल करना है, वो समाजवादी पार्टी। सत्यजीत जी, अगर देखे तो पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, लेकिन तब इस तरीके से रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे थे। इस बार ये दाव एकदम उल्टा जाता दिख रहा है। देखिए 10 साल अगर कोई सत्ता में रहता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नाराजगी होती है सत्ता के खिलाफ। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी सरकार हो, सबको वो संतोषजनक ढंग से संतुष्ट नहीं कर सकती है। और जब कोई सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, तो अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाती है। तो जब उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरती, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है उसके विरोध में वोट पोल करते हैं। तो इसका भी एक कारण था समाजवादी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वोट पोल होने का। अच्छा, दूसरी बात जो है, उस समय विधानसभा का चुनाव था, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो विधानसभा के चुनाव में हुआ था। और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका नगण्य हो जाती है, क्योंकि वो केंद्रीय पार्टी है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी, टेक्निकल तौर पर नहीं, अगर उस तरीके से देखा जाए तो केवल कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय रूप में खड़ी होती है। तो केंद्रीय चुनाव होने के नाते, मतलब दिल्ली का चुनाव होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो कामयाब रहा। तो अगर यही गठबंधन विधानसभा में होता तो दिक्कत होती। उस समय समाजवादी पार्टी ने जो गलती की थी, लोकसभा के चुनाव में दो क्षेत्रीय दल आपस में मिले थे, बसपा और समाजवादी पार्टी, जिसमें 10 और 5, मतलब समाजवादी पार्टी को 5 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली थी। क्योंकि दोनों क्षेत्रीय दल थे और चुनाव राष्ट्रीय हो रहा था, नेशनल मतलब वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो वो गठबंधन ही सही नहीं था। सही सही पूछा जाए तो गठबंधन तो सही सही ये था कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे लोकल पार्टी को गठबंधन करना चाहिए। इस बार समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता जो कांग्रेस थी उसके साथ गठबंधन किया, इसका लाभ उनको मिला है। जो सबसे बड़ा लाभ मिला है गौरी जी, वो मैं बार बार इस बात को कहूंगा, जैसे अभी पता चल रहा है कि टेनी पीछे चल रहे हैं और शायद 10 या 12 हजार वोटों से या 15 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। टेनी लोकसभा के सदस्य थे, इन्होंने गलती किया, जनता की मांग थी कि पुराने जो प्रत्याशी आपके थे उनके कार्यों से जो भी उन्होंने क्रियान्वयन किया या उनके लोकसभा के परफॉर्मेंस से जनता संतुष्ट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी से यही चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नए पुराने प्रत्याशियों के बदले नए प्रत्याशी देना चाहिए था। टेनी के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और उसका खामियाजा ये हुआ जो है कि पीछे चल रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों का आक्रोश था, उसका खामियाजा हुआ कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, जबकि बड़ी नेता है और बड़ा पोर्टफोलियो है, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, उसके बाद जो भी पीछे चल रही है। और हार किससे रही है? राहुल गांधी के है, पीए नहीं कहूंगा, ठीक है राजनीतिक रूप से 40 वर्षों से उनके साथ थे वो जो है, लेकिन वो पीए ही थे जो है। आज राहुल गांधी की उपलब्धि उपस्थिति भले ही वहां पे ना हो, लेकिन उनके पीए के द्वारा या उनके साथी के द्वारा वो हार रही जो है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है, देखिए एक चीज और कहूंगा गौरी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सही पार्टी है। मेरा अपना मानना है कि उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि उन्होंने, उनको दम हो गया था, उनको भी अहम हो गया था। और किसी भी चीज में पब्लिक जो है वो त्रस्त थी, थानों में घुसखोरी नहीं बंद हुई थी, अगर देखा जाए तहसीलों में घुसखोरी नहीं बंद हुई थी, छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं जनता उत्पीड़ित थी, परेशान थी, कौन किसके पास जाए अपनी फरियाद को लेकर यही नहीं समझ में आ रहा था, विधायकों की सुनी नहीं जा रही थी, विधायक अगर जाए पैरवी करने के लिए थानेदार भी नहीं सुनता था, तहसील में तहसीलदार नहीं सुनता था उनकी, SDM की तो बात छोड़िए, DM की तो बात छोड़िए। तो वो स्थितियां जो है लगातार देखा जाए जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निगेटिव रही। जब कोई आम जनता या आम नागरिक जो है परेशान होती थी, पीड़ा दर्द दंश तकलीफ में होती थी गौरी जी, तो वो किसके पास जाए अपनी फरियाद देकर के, सांसद मौजूद नहीं है, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, सांसद किसी को फोन करने के लिए तैयार नहीं है जो है, तो
लोग जाहिर सी बात है कि उपेक्षा के शिकार हुए और कहीं ना कहीं मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पोल करना है। लेकिन गौरी जी एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, वो ठीक है कि कम वोटों के कम सीटों से या ज्यादा सीटों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है, उनको सोचने के लिए, विचार करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जनता ने मौका दिया है कि अपने गिरेबान में भी झांक के देखो, कमियां जहां उसको समझो और उन कमियों को। ठीक है दिवाकर जी, क्या कहेंगे दिवाकर जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। जी जी गौरी जी, इस संबंध में इतना कहना है, इस संबंध में इतना कहना है कि चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप ही आएंगे। जो हमारी होप है, हमारी पार्टी की जो होप है उसके अपेक्षा के अनुरूप ही आएंगे। और जनता, चूंकि एक चीज हमारे पत्रकार महोदय ने कहा है कि रूलिंग पार्टी के नाते कुछ न कुछ सामाजिक लोग अपने हिसाब से समझाने में समाज को कामयाब हो जाते हैं। जैसे कुछ मुद्दों को इन्होंने ले लिया, संविधान को एक नाम ले लिया, जैसे हम लोगों का नारा को इन्होंने पिकअप कर लिया, संविधान का ले लिया कि इतना पाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये समझाने में ये लोग पूरी कोशिश किए हैं, जनता को समझा रहे थे, लेकिन जनता उससे मानने वाली नहीं है। ये चुनाव उतार चढ़ाव का होता है, कुछ जातीय समीकरण का को स्वीकार करना ही पड़ेगा जो इनका फैक्टर मेन है। एक वर्ग को ये खुश करने के लिए तरह तरह के वादे प्रलोभन किए और हमेशा ही करते आते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने भाइयों का हक छीन करके एक विशेष वर्ग को खुश नहीं करेंगे। तो हमारे पत्रकार महोदय ने क्या कि एक विशेष वर्ग जो मन बना लिया था कि एक जगह वोट देना है केंद्र में, और उन्होंने बताया सही बात कहा कि एक जगह जो एक विशेष वर्ग वोट किया है, बसपा जो एक पार्टी थी, बसपा का वोट प्रतिशत भी हमको लगता है कि उतना नहीं मिल पा रहा है। तो बसपा के वोटों का लाभ अगर दोनों तरफ गया है, भारतीय जनता पार्टी में भी आया है बसपा के वोट, हमारे भाई भी आए हैं, और अपोजिट पार्टियों में भी कुछ गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो भी परिणाम आएगा वो सिरोधार्य होगा, और जो आंकड़ा दिखाई जा रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, कम से कम यह लोग तो कहेंगे ना सरकार निष्पक्ष है। इन लोगों का जो एक था कि सरकार निष्पक्ष नहीं है, ये है वो है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप अनर्गल लगाते थे। सरकार निष्पक्ष रूप से सबके हित की काम करती है, सबके बारे में सोचती है, और अपने विचारों को, अपने कर्तव्य को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है, और उस हिसाब से चल रही है। किसी वर्ग विशेष को खुश करती नहीं है पार्टी, सबको समान रूप से समान अधिकार के साथ पूरे देश का ख्याल भारतीय जनता पार्टी करती है। और प्रदेश में योगी जी निष्पक्ष भाव से सबके साथ समान न्याय की प्रक्रिया जो लागू होती है सबके लिए लागू होती है। इस तरह की कोई वर्ग विशेष को खुश करने की बात नहीं होती है। एक वर्ग विशेष के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस इस वक्त 230 सीटों से आगे चल रही है, अपने बहुमत से आगे चल रही है इस वक्त, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किलें साबित कर रहा है। क्या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था, मंगलसूत्र वाला दिया हो, चाहे वो मुसलमानों को लेकर कहा हो, कहीं वो तो नहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए, कुछ ना कुछ तो हमने बता दिया ना, एक वर्ग विशेष इस बार जो है एक जगह वोट किया है तो दिखाई दे रहा है। एक वर्ग विशेष जाति वर्ग को देख करके, जाति के नाम पे जो इन्होंने बाउंडर फैलाया है, जाति के नाम पे इन्होंने भड़काया है, और यहाँ तक कहा है कि आरक्षण हमने हमारे एसटी भाइयों का आरक्षण, भाजपा की भैंस पानी में चली गई है, भाजपा की भैंस पानी में चली गई है भाई साहब, सुन लीजिए, पानी में सरकार नहीं आने वाली है, 4,000 बीजेपी में बन गया है। सुनिए आप घोटालेबाजों की सरकार के नेतृत्व करने वाले घोटालेबाजों अकेले सरकार नहीं बना पाएगी, इतने बड़े घोटाले सीट नहीं मिल रही है दिल्ली में, आप नहीं मिल जाए बंद कर दीजिए, मुंगेरी लाल का सपना आप देख रहे हैं, आपको जहाँ प्रदर्शन करना चाहिए वहाँ आप जीरो दिल्ली में, आपके बड़े नेता जेल में चले गए, आपके बड़े नेता जेल में चले गए, सारे साक्ष्य उनके खिलाफ आ गए, बीजेपी की भैंस पानी में चली गई, सारे सबूत उनके खिलाफ आ गए, आपके जो नेता हैं वो खुद जेल में हैं, मोदी मोदी जी भाषण दे रहे थे, एक दो भैंस एक भैंस ले जाएंगे, वो बीजेपी की भैंस गई। शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शान जी आप बोलिए।
देखिए दिवाकर जी की बात से मैं सहमत हूँ, वो जो बोल रहे हैं कि इस चुनाव में वर्ग विशेष ने एक तरफा वोट किया, सच बात है ये, पर वो वर्ग विशेष कौन सा है वो बता नहीं रहे, मैं बताऊं। वो वर्ग विशेष है देश का गरीब, वो वर्ग विशेष है देश का पिछड़ा, वो वर्ग विशेष है देश का दलित, वो वर्ग काउंट मत करिए जिनका, जिनको आप अलग से आरक्षण देने की बात कर रहे थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, हमारा वर्ग विशेष वो नहीं है, वर्ग विशेष जिसको आप अलग से एससी एसटी भाइयों का आरक्षण काट के देने के लिए, एससी एसटी भाइयों का आरक्षण बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस बोलिए। मेरी बात नहीं पूरी होने, गौरी जी मैं ये कह रहा था कि भाजपा प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष ने इस चुनाव में एक तरफा वोट किया, ये बात सच है और मैं इससे सहमत हूँ, किंतु उन्होंने उस वर्ग विशेष के बारे में बताया नहीं कि कौन सा वर्ग विशेष है। मैं बताता हूँ, वो वर्ग विशेष है देश का गरीब, वो वर्ग विशेष है देश का पिछड़ा, वो वर्ग विशेष है देश का दलित आदिवासी, देश का युवा और महिला, जिसके हक अधिकार को छीन कर ये खा रहे थे और अपने उद्योगपति मित्रों को खिला रहे थे, वो जाग गया है और भाजपा को भगा रहा है। ठीक है, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है, लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए इंडिया में कांटे की टक्कर, अयोध्या से भाजपा पीछे, शशि थरूर भी पिछड़े, ये बड़ी खबर भी हमने आपको बता दी। साथ ही अगर हम इस वक्त ध्यान दें तो इस वक्त इंडिया अलायंस 230 से आगे चल रहा है, हालांकि वो अपने बहुमत से आगे दिखता नजर आ रहा है, अभी रुझान ये शुरुआती है, आगे क्या कुछ नतीजे आते हैं तो भी पता चलता रहेगा। जी शान जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, चाहता हूं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी मैं आ रही हूं आपके पास भी। जी शान जी, जो रुझान चैनलों पे चल रहे हैं उसमें राजस्थान में हमारा जो गठबंधन है 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी है जो बहुत कम अंतर से हम पिछड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी सीटें और बढ़ेंगी, और जब राजस्थान में सीटें बढ़ेंगी तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी और शाम तक आप देखना इंडिया गठबंधन की सरकार तय हो जाएगी। ठीक है, ताकि साहब आप क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी भाषणों में अपनी बात कह रहे थे कि एक भैंस ले ली जाएगी, एक भैंस चली जाएगी, तो बीजेपी की एक भैंस पानी में जा चुकी है और वो निकलने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है, भाजपा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो एक भैंस गई पानी में, तो एक भैंस तो पानी में चली गई है, वो वापस नहीं आने वाली। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, अरे आप बात सुन लीजिए, बहुत दूर है, सुन तो लीजिए, बहुत दूर है, अरे अरे मेरी बात सुन तो लीजिए, अरे यहाँ दिवाकर जी सुनिए। तो दूसरी बात ये रही कि बीजेपी अपने दम पे सरकार, इनकी खुद की अपनी 272 सीटें नहीं आएंगी, ये अगर सरकार बनाएंगे सहयोगी दल के से कहीं इसके आसपास पहुंच पा रहे, वो भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो परिणाम आएंगे उससे बीजेपी नीचे जाएगी। बीजेपी अपनी पीक, अगर पिछली बार आपको याद हो जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 12 बजे तक बीजेपी ने काफी बढ़त बना ली थी और ये डिक्लेयर होता है बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी अब अपने पीक पर जा चुकी है, उससे नीचे ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 200 से ऊपर जाना इनका मुश्किल हो रहा है, जिस तरह से प्रणाम आ रहा है, इस तरह से लगातार वोटों का रुझान नीचे जा रहा है, और जनता जो है, जनता ने बीजेपी को इस पर बाहर निकालने का मन बना लिया था कि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी थी, जनता बहुत प्रत्याशित हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली के बढ़ते रेट से। मुझे यह कहना है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, निवेशकों ने पैसा निकाल लिया है, बीजेपी सरकार नहीं बन रही है, पूर्ण बहुमत की, अपना सपना देखना बंद करिए, आप हमने दिल्ली को बचाइए, दिल्ली में सातों के सातों जीतने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूरी के पूरी सीटें जा रहे हैं, बिहार में हम यूपी में महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और यहाँ तक जहाँ हमारा खाता नहीं खुलता था दक्षिण के क्षेत्रों में, वहां भी हमारा उड़ीसा से लेकर के केरल तक में हमारी सरकार का खाता खुल रहा है, पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हम, क्षेत्र की पार्टियों के साथ जो समझौता हुआ, तकी साहब सुन लीजिए, हम अकेले भी बहुमत में आएंगे, अकेले भाजपा 272 पार करेगी, तब भी सहयोगियों के साथ ही सरकार बनाती है, सहयोगियों का महत्व उतना ही है जितना इलेक्शन से पहले होता है, उतना चुनाव परिणाम के बाद होता है, और अभी बहुत दूर है नेतृत्व में मोदी, अभी दिल्ली बहुत दूर है, फिर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं बीजेपी के लिए, दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत दूर बीजेपी के लिए, दिल्ली अभी बहुत दूर है, पूरी की पूरी सरकार आपकी जेल में चली गई, आप क्या बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी करिए आप, हमारे पास कम है तो हम लोग फिर दोबारा वापस लौटेंगे इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर।
अभी हम लोग बात कर लेते हैं रुझानों की। तो एनडीए इस वक्त चल रहा है 297 पर, कांग्रेस इंडिया गठबंधन चल रहा है इस वक्त 227 पर। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी वक्त हो चुका है, 12 बजे हुए हैं, अभी नतीजे इसी तरीके से रुझान सामने आते रहेंगे, किसकी सरकार बनती है ये शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। के बाद में वो आया बोल के नहीं यहाँ से हट जाओ ना, ये मार के गिरा देंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मनोज माथुर। घर कहाँ हुआ? थाना। थाना जमीन। और ये मामला क्या है, जमीन उमीन का है क्या? जमीन उमीन वो तो रास्ता वहाँ दिया हुआ उसका मामला ही, वो ज़्यादा रास्ता वो खोजता है कि 15 फीट हमको। कौन खोजता है? और रेती जमीन का एक कोर्ट से और थाना।